हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, और हमने ये भी देखा था कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या डिसएडवांटेज थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, जो कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों और मेरे नोट्स पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये प्रपोज किया था R.S. विटिकर ने 1969 में, और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया था। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने जो किंगडम है उनके क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले हम मेन जो क्राइटेरिया है इनका क्लासिफिकेशन का वो देख लेते हैं। तो मेन क्राइटेरिया में इनका सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो किंगडम्स है उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो देखा गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा इन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक हैं। फिर इन्होंने थर्ड इनका क्राइटेरिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि बॉडी किस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है ये देखा गया था। नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है वो देखा था इन्होंने। और फिफ्थ है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये सारे जो मेन इनके क्राइटेरिया थे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम थे ये देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहला किंगडम था प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगी। इन्होंने जो विटिकर थे, इन्होंने क्या किया था कि फंगी, जो कि पहले फंगी को प्लांट किंगडम में रखा गया था, अभी इन्होंने क्या किया फंगी को एक सेपरेट किंगडम बना दिया। तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और आज भी यही क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया जाता है या इसी के बेसिस पे आगे बुक्स में दिए रहते हैं। तो अब हम देखते हैं इनका एडवांटेज क्या क्या है। तो जो एडवांटेजेस हैं इनके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो जो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेपरेटली इन्होंने अलग अलग किंगडम में रखा था। दूसरा ये एडवांटेज है कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेट कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो फंगी है, फंगी के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया था, क्योंकि जो फंगी है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, उसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो अलग है प्लांट से। तो फंगी को एक सेपरेट किंगडम बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि इट प्लेसेस द प्रोकैरियोट्स इन अ सेपरेट किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको सेपरेट किंगडम मोनेरा में रखा गया था। और ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है अर्ली ऑर्गेनिजम्स का प्लांट्स एंड एनिमल्स में, इसके बारे में भी पता चलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस होने की वजह से ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और इसी के बेसिस पे स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, और में जो पांचों किंगडम है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन चीज़ों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉलम्स बना लिए हैं यहाँ पे कैरेक्टर, फिर जितने भी पांचों यहाँ पे किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया, इस तरीके से लिख लेना है। ये आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है सेल टाइप। सेल टाइप में अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में सेल टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि वो सेल जिनके अंदर की जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, ट्री न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद जितने भी किंगडम है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कैरेक्टर वो है सेल वॉल। और सेल वॉल में हम देखेंगे कि जो मोनेरा है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब कि पॉलीसेक्राइड्स, प्लट्स, अमीनो एसिड से बना होता है। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और कुछ में नहीं प्रेजेंट होगा। फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं रहता है, इसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना रहता है। प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर है,
नेक्स्ट करेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, और बाकी जितने भी यहाँ पे किंगडम है, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट करेक्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट करेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं वो सेलुलर होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी जितने जो तीन बाकी बचे हैं, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इनमें होता है मल्टी सेलुलर। तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं ये, फिर बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अगर मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं तो कैमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और कैमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो कुछ केमिकल्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो कि लाइट की मदद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में ये दोनों ही हो सकते हैं, और अगर हेटरोट्रॉफिक है तो हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो सेप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि वो सारे ऑर्गेनिज़म्स जो कि डेड एंड डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और पैरासिटिक का मतलब हो गया वो सारे ऑर्गेनिज़म्स जो कि किसी होस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है, और इसमें ऑटोट्रॉफिक अगर होंगे तो सबके सब फोटोसिंथेटिक होंगे और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फंगी। फंगी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांटे की, तो प्लांटे में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक होता है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब लाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लास्ट बात करते हैं हम एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे इस किंगडम में ऑर्गेनिजम्स होंगे सब हेटरोट्रॉफिक होंगे, और हेटरोट्रॉफिक में वो होलोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, और होलोजोइक का मतलब हो गया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड फूड मटेरियल्स को लेते हैं, और सेप्रोफिटिक का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो कि इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस एनिमेलिया किंगडम में जो कि डेड एंड डीके मटर से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे जो किंगडम्स थे उनके कैरेक्टर्स देख लिए क्या क्या हैं। ये सारे कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो सक्सेसफुल रहा, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हम अभी भी स्टडी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये प्रपोज किया था कार्ल वूज ने। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, इसमें कौन कौन से किंगडम्स हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि जो मोनेरा था किंगडम, उसको कार्ल वूज ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक हो गया आपका यू बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया आर्के बैक्टीरिया, और बाकी सारे किंगडम सेम थे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, कार्ल वूज ने देखा कि जो मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया थे, इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम बना दिया। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस थे जिसके बेसिस पे इन्होंने ये दो किंगडम्स बनाए। सबसे पहले तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो एब्सेंट था, एब्सेंट था आर्कियोबैक्टीरिया में, जिसकी वजह से इन्होंने आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इन्होंने दो किंगडम बनाए। दूसरा ये है कि ऑकरेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स इंस्टेड ऑफ अ पॉली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब आर्कियोबैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पे एक ब्रांच चेन है लिपिड्स का एज ए मोनोलेयर, मतलब एक लेयर में। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने मेजर डिफरेंसेस देखे जिसकी वजह से आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम बना दिया। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी की और उस बेसिस पे बहुत सारे रिसर्च किए, और उससे हमें ये पता चलता है इन्होंने क्या किया, जो सीक्वेंस होता है एस 16S राइबोसोमल आरएनए जीन का, उसके बेसिस पे वूज ने ऐसा फाउंड किया, ऐसा ढूंढा, ऐसा खोजा कि जो सिक्स किंगडम्स हैं वो नेचुरली
क्लस्टर होते हैं तीन मेन कैटेगरीज में, मतलब कि जो सिक्स किंगडम्स इन्होंने बनाए थे वो तीन मेन कैटेगरीज के अंदर ही आ जाएंगे। और ये जो तीन मेन कैटेगरीज थे इन्हें इन्होंने कहा था कि ये डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं। और अब हम ये देखेंगे कि जो तीन मेन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है ये बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। तो यही वो तीन मेन डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं जिनके अंदर छह जो किंगडम्स थे वो आ जाएंगे। एक और बात इन्होंने ये बताया था कि द डोमेन्स आर बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया एंड आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर कॉल प्रोजीनोट। और इन्होंने ये बताया कि ये जो तीनों डोमेन्स हैं, जो डोमेन्स ऑफ लाइफ जिन तीन कैटेगरीज को ये बोल रहे हैं, वो क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर से ही सारे के सारे ओरिजिनेट हुए हैं और वो कॉमन एंसेस्टर का नाम है प्रोजीनोट। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर एक हम इसे चार्ट बना के इस फॉर्म में देखें तो अकॉर्डिंग टू वूज इन्होंने बताया था कि प्रोजीनेट जो कि सबका कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ से तीन जो मेन कैटेगरीज थे जिन्हें इन्होंने डोमेन्स ऑफ लाइफ कहा वो है बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, और इन्हीं के अंदर जो छह किंगडम्स थे वो सबके सब आ जाएंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा यू बैक्टीरिया, आर्किया के अंदर आएगा आर्के बैक्टीरिया एंड यूकेरिया के अंदर आएगा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। तो इस तरीके से इन्होंने भी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स भी कवर करूँगी।